पद्धति के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 7 से 15 तक। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।